नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। खबर मौसम से जुड़ी है, जहां मौसम का ताजा हाल लेकर हम हाजिर होंगे हैं। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के लोगों को एक बार फिर से प्रचंड गर्मी से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात राजधानी पटना की कल की करें तो बीते दिन राजधानी पटना के लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार रहा, तो वहीं दूसरी तरफ उमस वाली गर्मी से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग की तरफ से 22 जुलाई के बाद मौसम में बदलाव के आसार को लेकर अपडेट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम का हाल क्या कुछ रहने वाला है, किन किन जिलों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। कि राजधानी पटना समेत कई जिलों में एक बार फिर से गर्मी ने डेरा डाल दिया है। लेट हुए मॉनसून 2024 ने काफी हद तक भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो कमजोर पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि गर्मी और उमस से एक बार फिर बिहार के लोग परेशान हैं। 21 जुलाई तक दक्षिण बिहार में फिलहाल ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। उत्तर बिहार में 20 जुलाई को मौसम पलटी मारना शुरू करेगा। इस दौरान इन जिलों के कई स्थानों पर बारिश के अनुमान भी बताए गए हैं। पटना समेत बाकी जिलों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही है। फिलहाल मानसून की ट्रफ लाइन जैसलमेर, कोचा, गुना, नरसिंहपुर होते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी से पूर्व की ओर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर गुजर रही है। 19 जुलाई के आसपास पश्चिमी मध्य और उससे लगे हुए उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक ताजा निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगले 48 घंटों में राज्य के दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के भी पूर्वानुमान बताए गए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज में 19 जुलाई को मौसम मार सकता है। इस दिन सभी जिलों के अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। 20 जुलाई को सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया के अनेक स्थानों पर बारिश के पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। इस दौरान बाकी जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 22 जुलाई को बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद 23 जुलाई को बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज के अनेक स्थानों पर बरसात की संभावना है। वहीं बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बांका जिलों के अधिकांश स्थानों पर बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। तो एक तरफ बिहार में मॉनसून एक बार फिर से कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को उमस वाली गर्मी सता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में बारिश को लेकर चेतावनी बताई गई है। खास करके 22 जुलाई के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा और लोगों को उमस वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। आने वाले दिनों में मौसम को लेकर और क्या कुछ ताज़ा अपडेट जारी किया जाएगा मौसम विभाग की तरफ से, हम आपको अपने वीडियो के जरिए अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आज के मौसम में इतना ही।